हेलो दोस्तों, ग्रेट स्मैशेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू एलिमिनेट द नल मूव्स फ्रॉम द एनएफए। मतलब अगर आपके पास एप्साइलम एनएफए दिया हुआ है, या जिसको आप कह सकते हो एनएफए विद एप्साइलम मूव अगर दिया है, तो उसको आपको कन्वर्ट करना है विद द एनएफए विदाउट एप्साइलम मूव्स। मतलब आपको ये जो नल मूव्स है इनको रिमूव करना है। तो इनको रिमूव करने के लिए क्या एल्गोरिदम यूज करते हैं और कैसे वो एल्गोरिदम वर्क करता है, ये इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो गाइज फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर तक आपने नहीं किया, एंड प्लीज प्रेस द बेल बटन ताकि आपको सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लेट्स सपोज हमारे पास दो स्टेट है S1 और S2, और उनके बीच में एप्साइलम मूव है। और एप्साइलम मूव होता कैसे है, होता क्या है, या हम इसके ऊपर जो है ऑलरेडी इसकी डेफिनेशन जो है वो लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं चेक की तो आप एक बार वो वीडियो चेक कर लें ताकि आपको पता लग जाए कि एप्साइलम एनएफए होता क्या है, कैसे वर्क करता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। इवन आपको सुजेस्टेड वीडियो में भी इसका लिंक जो है वो मिल जाएगा। तो S1 से S2 के बीच में क्या है, एप्साइलम मूव। अब मेरे को इस एप्साइलम मूव को एलिमिनेट करना है, तो इसको एलिमिनेट करने के लिए सिंपल आपके पास चार स्टेप है, इनको फॉलो करो। तो फाइंड ऑल एजेस स्टार्टिंग फ्रॉम द S2, मतलब आप S2 से देखो कि कौन कौन सी एजेस स्टार्ट हो रही हैं, वही सेम डुप्लीकेट आप बना दो S1 से। मतलब जो S2 से जा रहा है, S2 से जो जहां पे जा रहा है वही सेम आप S1 से बना दो, और ये आपका स्टेप नंबर 2। देन अगर S1 इनिशियल स्टेट है तो S2 को भी इनिशियल बना दो, अगर S2 फाइनल है तो S1 को फाइनल बना दो। कैसे करना है इस डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखो इस डायग्राम में एप्साइलम एनएफए में आपको दो नल मूव दिख रही हैं, एक Q0 और Q1 के बीच में, और एक Q1 और एक Q4 के बीच में। मतलब ये आपका S1 S2, या आप कह सकते हो S1 S2, आप कैसे भी मान सकते हो, ये भी S1 S2 है दो स्टेट के बीच में, यहां पे भी दो स्टेट के बीच में आप S1 S2 मान लो। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपको स्टार्ट कहां से करना है। अगर एक ही नल मूव है तो वहीं से स्टार्ट कर लो, सिंपल फॉलो करो। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल नल मूव्स हैं, जैसे आपके पास यहां पे दो नल मूव है, तो आपको पहले इसको ठीक करना है या इसको ठीक करना है, मतलब इसको एलिमिनेट करें या इसको एलिमिनेट करें, तो आप पहले इसको एलिमिनेट करो। रीजन क्या है उसका, क्योंकि Q4 के बाद जो है ना, Q4 के बाद, मतलब ये आपका S1 बन गया, ये आपका S2 बन गया। अब देखो S2 से क्या कोई और नल मूव है, नहीं, S2 से कोई और नल मूव नहीं है। लेकिन अगर आप इसको पहले छेड़ते हो, मतलब ये आपका S1 और ये S2, तो देखो S2 से कोई और नल मूव है, हाँ S2 से, मतलब Q1 से आगे एक और नल मूव है। तो अगर आप इसको पहले करोगे ना, हो तो ये भी जाएगा लेकिन ये थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो आप बेटर क्या है, पहले अगर आपके पास मल्टीपल है तभी, अगर एक है तब तो सिंपल एल्गो को फॉलो करो, लेकिन मल्टीपल है तो आपको स्टार्ट करना है पहले इनके बीच में। इनके बीच में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि Q4 के आगे कोई नल मूव नहीं है। तो सबसे पहले Q1 और Q4 के बीच में हम हटाते हैं। कैसे हटानी है, सिंपल सा मेथड है कि आप Q4 से जहां जहां पे ट्रांजिशन हो रही है वही डुप्लीकेट आप Q1 पे कर दो। वही स्टेप नंबर 2, डुप्लीकेट ऑल एजेस टू S1, S1 पे सारी डुप्लीकेट कर दो विदाउट चेंजिंग द एज लेबल। कोई एज का लेबल चेंज नहीं करना, मतलब यहां से देखो Q4 से Q5 जीरो है ना, तो आप इसको अब Q1 से Q5 बना दो। मतलब इस तरीके से Q4 से Q5 जीरो ट्रांजिशन थी, वही डुप्लीकेट आपने इसके बीच में बना दिया। मतलब अब Q1 से Q5 के बीच में आपने जीरो जो है वो बना दिया। अब ऑब्वियसली इसको हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, एप्साइलम वाली को हम रिमूव कर देंगे यहां से, इस तरीके से आपको रिमूव कर देना। ये आपके पास जो है वो पहला। अब देखो नेक्स्ट आता है स्टेप नंबर 3, इफ S1 इज इनिशियल। कौन सी थी, अब ये वाली S1 थी पहले, ये S2 है। तो देखो S1 इनिशियल है, नहीं, अगर ये इनिशियल होती तो आप इसको भी क्या बना दो, इनिशियल बना दो। नेक्स्ट अगर S2 फाइनल है तो S1 को बना दो, मतलब अगर ये फाइनल है ये भी फाइनल नहीं है, तो अगर ये फाइनल होती तो आप Q1 को क्या बना देते,
फाइनल बना देते, लेकिन ये फाइनल नहीं है। इन केस अगर फाइनल होती तो आप इसको फाइनल बनाना पड़ेगा, यही चार स्टेप आपको फॉलो करने हैं। नेक्स्ट ये वाला काम जो है कंप्लीट हो गया, तो नल मूव हमने यहां से हटा दिया और नल मूव हटा के हमने जो यहां पे था उसी को डुप्लीकेट कर दिया Q1 और Q5 के बीच में, और एज का लेबल सेम है, जीरो पे था यहां भी जीरो पे है। नेक्स्ट आते हैं हम क्यू नोट से Q1 के बीच में। अब देखो क्यू नोट से Q1 के बीच में आपको हटाना है क्या, एप्सिलॉन। तो हटाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले ये S1, ये आपका S2, तो सबसे पहले डुप्लीकेट ऑल एजेस टू S1 विदाउट चेंजिंग द एज लेबल। मतलब देखो SQ1 से Q3 पे जीरो है, Q1 से देयर इज अ ट्रांजिशन विद जीरो, जीरो इनपुट कहां पे जा रहा है, Q3 पे जा रहा है। तो यानी आप Q0 से जीरो पे सेम रखना सिंबल जीरो, और कहां पे ट्रांजिशन जा रहा है, Q3 पे जा रहा है, तो लो जी आपने Q3 पे बना दिया। दैट इज द स्टेप नंबर 2। जो Q1 से जा रहा है, जो Q1 पे आ रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब जिस स्टेट से निकल रहा है, जो यहां से एज निकल रही है, वही एज आपको यहां पे बनानी है। नेक्स्ट आपके पास आता है, अब इस मूव को हम यहां पे रिमूव कर देते हैं। इसके अलावा कोई और ट्रांजिशन, हाँ एक और ट्रांजिशन है, Q1 से Q5 जीरो पे ट्रांजिशन है, Q1 से Q5 जीरो पे ट्रांजिशन है, यानी आप अब Q0 से Q5 जीरो पे ट्रांजिशन बना दो। सिंपल, Q0 से Q5 जीरो पे ट्रांजिशन बना दो। क्यों? क्योंकि Q1 से Q5 जीरो पे ट्रांजिशन थी, वही कॉपी हमने यहां कर दिया, एक यहां थी ये एज को कॉपी कर दिया, एक एज ये थी इसको भी कॉपी कर दिया। नेक्स्ट If S1 is initial, हाँ इस स्टेट में जो है वो S1 मतलब ये Q0 थी इनिशियल थी, तो अब Q1 भी आपकी इनिशियल बन गई। नेक्स्ट S2 is final, क्या Q1 final थी, नहीं, तो आपको इसको भी कुछ नहीं करना, अगर Q1 final होती तो आप इसको भी final बना दो। तो बस इस तरीके से आपको follow करना है। So this is how we have to eliminate the null moves, बस इन चार steps को follow करो और आपका जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, मतलब एलिमिनेट हो जाएंगी नल मूव्स। और मल्टीपल के केस में याद रखना कि पहले वो उठानी है जहां पे नेक्स्ट ट्रांजिशन जो है वो नल मूव नहीं हो रही, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया। और लास्ट एक छोटा सा पॉइंट और बता देता हूं, फिफ्थ स्टेप भी लिख लो, रिमूव द डेड स्टेट। आप रिमूव भी कर सकते हो डेड स्टेट, जैसे अब देखो इसमें Q4 जो है वो डेड स्टेट है, Q4 से Q5 पे है, लेकिन Q4 की तरफ कोई भी ट्रांजिशन नहीं, मतलब Q4 अनरीचेबल है, स्टार्टिंग से Q4 अनरीचेबल है। तो जो अनरीचेबल होती है दैट इज योर डेड स्टेट, तो आप इसको चाहे बनाओ चाहे ना बनाओ डजंट मैटर इन द NFA। तो इसको ना भी बनाओगे तब भी कोई ज्यादा यहां पे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, तो आप Q4 को यहां से हटा भी सकते हो बिकॉज इट इज अ डेड स्टेट। सो दिस इज हाउ यू हैव टू कन्वर्ट द एप्साइलम NFA टू विदाउट नल मूव NFA। थैंक यू।